फरवरी है और 14 फरवरी भी आने वाला है या आ गया है या आज ही है, यानी कि वैलेंटाइन डे। तो बात अपन कुछ रुमानी ही करेंगे लेकिन कुछ अलग तरह की, जब पूरी बात आप सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। दरअसल इन दिनों हमारे टेलीविजन पर और मोबाइल पर शार्क टैंक नाम का एक कार्यक्रम बड़ा जोरों से चल रहा है। घरों में सास बहू थोड़ा कम हुआ है और पूरा परिवार आजकल शार्क टैंक देख रहा है और उस पर चर्चा भी कर रहा है। हमारे युवा नौजवान बच्चे भी इसको काफी पसंद कर रहे हैं। नए नए स्टार्टअप के आइडिया, लाखों करोड़ों का तुरंत फुरत लेन देन, फंडिंग और देखते ही देखते मध्यम वर्गीय परिवारों में इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, कस्टमर एक्विजिशन और इनोवेशन जैसे शब्द जो कभी जिनका मतलब नहीं पता था, मतलब तो आप जाने दीजिए कभी सुने तक नहीं थे, वो अब आम बोलचाल की भाषा में आ गए और हमारे नौजवान को इन शब्दों से प्यार हो गया है। ठीक वैसे ही जैसा पहली नज़र का प्यार होता है, 14 फरवरी वाला, वैलेंटाइन डे वाला प्यार। जी हाँ, जिसके आगे के हिस्से से ये नौजवान अनजान रहते हैं कि जब प्यार होगा और जब ये प्यार परवान चढ़ेगा और परवान चढ़ने के बाद में जब शादी या उसके साथ में ज़िंदगी बिताने की जब नौबत आ जाएगी तो क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगा, और इसको सफल बनाने के लिए उस अंजाम तक पहुंच, उसको प्यार को, पहले प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या मुसीबतें आएंगी, पूरा जीवन लग जाता है। बस ठीक वैसे ही इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, कस्टमर एक्विजिशन और इनोवेशन जैसे शब्दों को सुनकर और शार्क टैंक को देखकर बच्चों को स्टार्टअप से प्यार हो गया है और अब किसी भी बच्चे से पूछो तो कहता है नया नया स्टार्टअप करने की सोच रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ समय पहले हर बेरोजगार युवा अपनी बेरोजगारी छिपाने के लिए किसी के पूछने पर कह देता था कि भैया IAS RAS की तैयारी कर रहा हूं, वैसे ही अब नौजवान स्टार्टअप की तैयारी कर रहा है। अगर आप किसी से पूछो कि क्या कर रहे हो तो कहता है नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा हूं, यानी कि अपना बिजनेस करने की सोच रहा हूं। उस नौजवान को लगता है कि बस एक आइडिया ही तो चाहिए, जैसे कि शार्क टैंक में बैठे बैठे भारत पे वाले, लेंसकार्ट वाले, शादी.com वाले फंडिंग दे रहे हैं, वैसे ही कोई फंडिंग दे देगा, बेड़ा पार लग जाएगा। बिजनेस की बारीकियां या उसमें आइडिया के बाद में क्या क्या लगता है, उस नौजवान को कुछ भी अनुभव नहीं है। बस वो सोचता है एक अच्छा आइडिया चाहिए, एक बिजनेस शुरू करने के लिए बस एक आइडिया चाहिए। लेकिन ये एक आइडिया काफी नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में, उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे मैनेजमेंट के तमाम विषय बिजनेस में जरूरी होते हैं, जो हमारे नौजवानों को कुछ नहीं पता होते। बस इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, कस्टमर एक्विजिशन और इनोवेशन दिखता है। जैसे कि उसी नौजवान की तरह जिसे अपनी महबूबा की गहरी नीली आंखें, चांद सा चेहरा, सुनहरी बाल, कातिल मुस्कान दिखती है, लेकिन इनको बरकरार रखने के लिए, इस कातिल मुस्कान, सुनहरी बाल, नीली आंखों को हमेशा कायम रखने के लिए, अपने सामने रखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, उसको ये नहीं दिखता। तो ये नौजवान दरअसल शार्क टैंक देखकर एक आइडिया की तलाश में खुद और अपने परिवार को सपने दिखाए हुए हैं। जिसको आइडिया मिल भी जाए अच्छे बिजनेस का, तो उसको उस बिजनेस के वो कड़े अनुभव या वो कंटीले रास्तों का पता नहीं, जो रास्तों पर चल के ये शार्क टैंक लेंस वाले जो हैं, लेंसकार्ट, भारत पे, शादी.com वाले जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इन्हें शायद पता नहीं कि इनके साथ जाने कितने लाखों लोग, इनके साथ में स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया था इनके ही जैसे आइडियो को लेकर, लेकिन सफलता महज 8 या 10 लोगों के हाथ लगी। दरअसल मेरा मकसद किसी नौजवान को डराना नहीं है, डीमोटिवेट करना नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब पहली नज़र का प्यार होता है तो वो एक अट्रैक्शन वाला होता है। उस पहली नज़र के प्यार को जिंदगी की सच्चाइयों की आग में तप कर निकलना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा। ठीक वैसे ही इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, कस्टमर एक्विजिशन और इनोवेशन जैसे जो शब्द हैं, और इन शब्दों को समझकर शार्क टैंक पर एक आइडिया के लिए लाखों करोड़ों का बिजनेस का जो सपना संजोए हुए हैं मेरे युवा साथी,
तो वो थोड़ा सा इस बात को समझे। स्टार्टअप अच्छा है और एक अच्छे आइडिए के साथ में एक स्टार्टअप करना अच्छा है, लेकिन इस नए जमाने में के स्टार्टअप के चक्कर में आप जिंदगी गर्क नहीं कर दें, क्योंकि बिजनेस की जो नाकामयाबी होती है ना, वो कितना परेशान करती है, कितना डीमोटिवेट करती है, अंदर से कितना तोड़ देती है, इसका अनुभव शायद नहीं है। जैसे कि प्यार की दुनिया हमें बड़ी रोमांटिक और रूमानी और परियों जैसी लगती है ना, लेकिन असल में ऐसी होती नहीं है। वैसे ही ये स्टार्टअप बिजनेस दिखता बड़ा ग्लैमरस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें सिर्फ एक आइडिया नहीं लगता, बल्कि पूरा के पूरा इंसान लग जाता है, पूरी जिंदगी लग जाती है। एक नए आइडिया और एक नए स्टार्टअप का स्वागत है, स्वागत होना भी चाहिए, लेकिन इस नए स्टार्टअप और नए आइडिया के चक्कर में पुराने तरीके के जो पुराने व्यापार हैं उनको मेहनत से करना या उनको एक नए आयाम देके नया स्टार्ट करना, वो भी एक नया स्टार्टअप ही कहलाता है। जैसे कि शादी करने के लिए जरूरी नहीं कि पहले प्यार हो, कोई लड़की मिले, उससे आंखें चार हों, उसके बाद में आप शादी करो। माता पिता जो अरेंज मैरिज करवाते हैं वो भी सफल होती है, क्योंकि प्यार उसमें भी लगता है, उसमें भी प्यार को बरकरार बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। चाहे पहली नज़र का प्यार हो, उसको बरकरार बनाए रखने के लिए भी मेहनत लगती है, और इस प्यार को भी बरकरार बनाए रखने के लिए मेहनत तो पूरी ज़िंदगी लगती है। जैसे कि किसी से प्यार करके 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे मना कर शादी करो, जी हाँ, ऐसे कैसे अरेंज मैरिज में भी होता है, ठीक है ना। शायद बात समझ में आए या ना आए, बस दिल में थोड़ा सा था तो कह दिया, क्योंकि आजकल अपने घर के अंदर भी शार्क टैंक के काफ़ी चर्चे सुनता हूँ। व्यापार अच्छा है, सबसे बेहतर है, लेकिन मेहनत उसमें एक नौकरी से हज़ार गुना ज़्यादा है, याद रखना। नया स्टार्टअप इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, कस्टमर एक्विजिशन और इनोवेशन अच्छा है, इनोवेटिव आइडिया वाले का स्वागत होना चाहिए, स्वागत करना भी चाहिए। इनोवेटिव आइडिया वाला स्टार्टअप भी अच्छा है, स्वागत के लायक है, लेकिन उसके चक्कर में पुराने बिजनेस को नई मेहनत के साथ में नए सिरे से शुरू करना भी एक स्टार्टअप ही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि चाय की दुकान और पकोड़े वाला भी स्टार्टअप है, आप समझदार हैं। धन्यवाद। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।